सो गाइस, मैं हूं सचिन। और गाइस, आपने इंट्रो में देखा होगा कि आज के इस वीडियो पे हम एक DSLR कैमरा की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि है कैनन 800D का, जो कि कैमरा हमारा इसी बैग के अंदर है। ठीक है, ये है कैमरा का बैग, आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस, ये बात तो आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास एक कैमरा है तो उसके लिए बैग होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो कैमरा होता है इस बैग के अंदर टोटली सेफ रहता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम इसी कैमरा की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें दिखाएंगे फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक इसी कैमरे की। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी अनबॉक्सिंग की वीडियो और गाइस आईफोन के टिप्स रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्टेड द न्यू वीडियो। सो गाइस, ये है कैमरा का बैग। ठीक है, इसी बैग के अंदर हमारा कैमरा है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेक्शन में आता है इस बैग के। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले बात करते हैं इस कैमरे की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा है, ठीक है, जो कि एक कैनन, यहाँ पे लिखा है कैनन 800 EOS 800D, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये है कैमरा। तो इसे हम पहले साइड में रखते हैं और बाकी सब सेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ फिलहाल, इसे मोड़ के। ठीक है, इसे मैं साइड में यहाँ पे रख देता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे मेरे पास एक दो लेंस है। तो ये है सबसे छोटा लेंस, जो कि है 18mm 255mm। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसका बॉक्स निकालता हूँ। तो ये है लेंस, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये है लेंस इसका। इसे वापस लगा देते हैं, इसे भी साइड में करते हैं। ठीक है, और मेरे पास है यहाँ पे बड़ा लेंस, जो कि है यहाँ पे लिखा है 55mm to 250mm। ठीक है, इसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेंस, मेरे पास बड़ा लेंस है यहाँ पे, ये है 55mm to 250mm। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो इसे भी साइड में कर देते हैं हम। और गाइस, यहाँ पे हमें मिलता है चार्जिंग केबल, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है चार्जिंग केबल। ठीक है, कुछ इस तरीके इसका पिन आता है, यहाँ पे आपको दिखता होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसका पिन। ठीक है, और ये है प्लग। तो ये पता है आपको कहाँ लगेगा, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो भी है बैटरी, यहाँ पे मैं आपको बैटरी निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी हमें, ये है कैनन की बैटरी। अगर इसकी एमएच की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है 1040mAh की बैटरी, जो कि लायन। और इसके एम्पेयर वोल्ट की बात करूँ तो ये है 7.2 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये है बैटरी कैनन की इसी कैमरे की। ठीक है, तो इसे चार्जिंग करने के लिए हमें इसे इस सॉकेट में रखना पड़ता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम इसे रख देते हैं। ठीक है, अगर आपको इस बैटरी को चार्ज करना है तो यहाँ पे आपको इस पिन को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पिन को कैसे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको इस सेक्शन को बोर्ड में लगा देना है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे आपको चार्जिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो यहाँ पे इंडिकेटर मिला है, चार्जर और फुल का। ठीक है, चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे शो करेगा आपको चार्जिंग, और जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी तो यहाँ पे आपको फुल का सेक्शन शो करेगा। तो ये है चार्जिंग सॉकेट और बैटरी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें इस कैमरे के अंदर बैटरी देखने को मिल जाती है। इन सबको साइड में रखते हैं। ठीक है, और गाइस, इस बॉक्स के अंदर मैं लेंस लिया था, तो इसका बॉक्स है। बाकी यहाँ पे हम बैग में हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे सकते हैं पूरा बैग खाली है। तो बैग को हटाते हैं साइड में। तो गाइस, आप देख सकते हो कैमरा यहाँ पे है मेरे पास, ये है कैनन का 800D कैमरा DSLR। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पोर्ट्स की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारे हमें पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे हमें स्विच मिलता है, इसके थ्रू हम पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर बहुत सारे IOS है, ISO है। ठीक है, बहुत सारे फिल्टर्स के ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे DISP। ठीक है, और यहाँ पे है ऑन ऑफ, तो ये कैमरा अब हो चुका है ऑन। यहाँ पे ऑन ऑफ का जो स्विच दिया है, मैंने इसे ऑन कर दिया है। और बात करते हैं सामने की तरफ, तो यहाँ पे हमें मेनू का सेक्शन मिलता है, फिर यहाँ पे इन्फो, और यहाँ पे गाइस लेंस है, जिसके थ्रू आप देख के कोई भी एक परफेक्ट पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको AV कंट्रोल मिलता है। ठीक है, मतलब ये वायरलेस है, आप डायरेक्टली इसे ब्लूटूथ के थ्रू अपने मोबाइल में फोटोज को इजीली शेयर कर सकते हो, ये नया सिस्टम आया है। यहाँ पे प्ले एंड पॉज का बटन है, सेट का है। ठीक है, आप बहुत सारे हमें फिल्टर दिए हुए हैं, जैसे कि AF। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिलीट का एक बटन मिलता है, तो कोई भी आपको फोटो अच्छा नहीं आया तो आप इसे सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। बात करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको पोर्ट्स, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्राइपोड सेक्शन, जिसके थ्रू आप अपने ट्राइपोड में इस कैमरे को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग HDMI का। ठीक है, तो मैं यहाँ से और इसे निकालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको केबल मिलता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू भी फोटो को ले सकते हो। और यहाँ पे आपको HDMI का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसमें कनेक्ट करके अपने DSLR के जितनी भी फोटोज हैं आप लैपटॉप में इजिली शो कर सकते हो। तो इसे हम बंद करते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बंद हो गया। और यहाँ पे हमें माइक का सेक्शन मिलता है,
ठीक है, यहाँ पे है माइक, तो मैं इसे अगर निकालू यहाँ से तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 mm जैक, 3.5 mm का जैक मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सेकेंडरी माइक मिलता है। ठीक है, तो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो यहाँ पे आप माइक को कनेक्ट करके वीडियो भी शूट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलता है हमें, यहाँ पे लिखा है कार्ड टू ओपन। ठीक है, हम इसे साइड में करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेमोरी कार्ड हमें मिला है जो कि है सैंडिस्क का 64 GB, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शो करेगा आपको 64 GB का सैंडिस्क का है। तो इसे हम वापस इजीली इस तरीके से लगा देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, कैमरा हमारा ऑन हो चुका है, बस यहाँ पे आपको वायरलेस का सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये है डिस्प्ले इसका, हम इसे यहाँ से डिस्प्ले को ओपन करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया था। तो ठीक है, बिल्ट इन फ्लैश, यहाँ पे टच स्क्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे ऑन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने छोटे लेंस को यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको इस कैमरे के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इसके ऊपर का बॉक्स रहता है ढक्कन, उसको निकाल देना है। फिर यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से इसे यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे फिट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो छोटा लेंस मेरा यहाँ पे इस कैमरे के साथ फिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में शो होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये है डिस्प्ले इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं अगर शूट करता हूँ इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले में आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक पिक्चर को क्लिक करते हैं हम, एक बार पहले यहाँ पे मैं इसे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये छोटा लेंस है इसलिए परफेक्ट क्लिक नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सेट करके दिखाया। सो गाइस ओवरऑल कैमरा देख सकते हो, कैमरा मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है। ठीक है, अगर वजन की बात करो तो ज़्यादा यहाँ पे हैवी वजन नहीं है इस कैमरे की, काफ़ी रिलायबल वजन है यहाँ पे आप इस कैमरे का, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बैंड दिया है, इजिली आप इसे अपने गले में कुछ इस तरीके से लगा के, ठीक है, शूट कर सकते हो। इससे क्या रहेगा कि जो कैमरा आपका होगा वो गिरेगा नहीं, गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इसके साथ, अगर आप इसे इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्लिकिंग की बात करें तो इजिली आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इजी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, सो गाइस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।